देखो गाइस, देखो 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 कैसे भरे जा रही है, मतलब कि मैं हाथों से कितना दबा रहा हूँ लेकिन फिर भी भरे जा रही है, यानी कि बहुत पावर है। और मैं अभी इसको निकालता हूँ। सो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज काफ़ी गजब का एक एक्सपेरिमेंट हमारे दिमाग में आया है। अभी हम फुटबॉल भर रहे थे, फुटबॉल के ग्राउंड में भी आ रहे हैं, तो इसमें मतलब कि जो है हम हवा भरते हैं, तो इसमें मतलब कि इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है हवा का, पंप से भरते रहो लेकिन हाथ से कितना दबा लो तो एक मतलब कि भरती रहती है, मतलब कि रुकती नहीं हाथों से भी। तो आज हमारे पास एक चमचमाता डिब्बा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये हमारे पास एक चमचमाता डिब्बा है और हम इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हम इसमें बॉल देने वाले हैं और मतलब कि हवा निकाल के देने वाले हैं, और देने के बाद फिर दोबारा हवा भरेंगे और फिर देखेंगे कि क्या मतलब कि कौन कौन सी चीज़ फटेगी, इसकी फुटबॉल की ट्यूब फटती है या फिर ये डिब्बा फटता है। काफ़ी गजब एक्सपेरिमेंट है और काफ़ी गजब हमने सोचा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बाद में लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना हमारे एक्सपेरिमेंट देखने के लिए ऐसे ऐसे। तो जल्दी से हम इसमें हवा भरते हैं और डिब्बे में देखते हैं यार कौन सी चीज़ फटेगी जल्दी से। इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही होगी देखने के लिए। तो जल्दी से गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, इस बॉल का टेस्ट करने से पहले मैं, हमारे पास और भी बॉल हैं, ये वाली बॉल है, ये बिल्कुल सेम ऐसी है, हवा भरी जाती है इनमें भी, ये भी बहुत ही पावरफुल है। पहले इनका टेस्ट करेंगे, अगर इनसे पटते आए तो मुझे तो लग रहा है कि यही बॉल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यही इसको पाट देगी या फिर खुद पटेगी, देखेंगे यार कौन सी पटती है। तो ये वाली बॉल को देखो, मैं दिखाता हूँ आपको अनबॉक्स करके, ये वाली बॉल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और देखो इसका जाली भी निकाल दी मैंने, और देखो बिल्कुल सेम सी है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं इसमें, काफ़ी हार्ड है। तो जल्दी से हम इसको टेस्ट करते हैं, मैं देखता हूँ। देखो इसमें ऐसे यहाँ पे देनी पड़ती है और मैं देखो डिब्बे में जैसे कि हमने रख ली। सो गाइस, अब इसको टेस्ट करने वाले हैं, मैंने बॉल पुछा दी इसके अंदर और अब इसमें हवा भरने वाले हैं। अब देखते हैं गाइस, काफ़ी गजब लगेगा। पहले आप यहाँ पे निगाह करो अच्छी तरीके से, देखना गाइस इसका क्या मतलब क्या वो होगा। ये देखो, ये अब इसमें हमने भरनी शुरू कर दी हवा और देखो वो कट बोल रहा है गाइस, अब भी देखो, अरे वाह, और अब गेयर पूरी अच्छे तरीके से अंदर है और देखो, अरे वाह, देखो गाइस बिल्कुल गोड़ाई कर दी इसके डिब्बे की, तो देखो अरे वाह। तो देखते हैं यार क्या होता है, बॉल फटती है क्या होता है। अरे यार, ओ भाई, ओ भाई, ओ चिरे गाइस, ओ बॉल ही फट गई है। तो कितने बुरे तरीके से फटी गाइस, डिब्बे का कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन बॉल इतने बुरे तरीके से फटी एकदम से, डर गया यार वो तो पीछे गिर गया एकदम से। तो आज भी यार गाइस काफी गजब थी, घनी खतरनाक यार। तो देखते हैं, मुझे तो लग नहीं रहा गाइस ये इससे भी फटेगा, बड़ी वाली से भी। तो देखते हैं, हमारा तो काम है यार देखना। तो एक एक बॉल का तो होगा नुकसान, कितने की थी, 150 की थी ना, जरूर सर बॉल ही फटगी। तो देखते हैं, गौर करके देखते हैं, तो अब यार बड़ी करके देखे यार, बड़ी देखे छोटे बड़ी, अब यार गाइस बड़ी वाली करते हैं। मैं इसकी हवा निकालता हूँ, हवा निकालने के लिए वही सेम सिस्टम है, मतलब कि ये जो पिन होती है इसकी, ये पिन इसी पिन से निकलती है हवा, मैं आपको दिखा दूँ अगर आपको नहीं पता हो। इसमें हमने पिन दी और ये निकल गई हवा, देखो कैसे आवाज़ आ रही है। तो अब इसकी हवा निकालते हैं जल्दी से हम। सो गाइस, इस वाली बॉल की भी हवा निकल गई बिल्कुल, और अब इस वाली को करके देखेंगे हम डिब्बे में और देखते हैं गाइस, अगर ये वाली फटती है ना तो हकीकत में बताऊँ इस वाली का भी बहुत तगड़ा नुकसान हुआ और इस वाली का भी फटने का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जल्दी से लाइक कर दो यार, एक बॉल फट गई यार, घर पे भी जाने का बहुत नहीं है। तो गाइस लाइक कर दो जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम इस वाली को करते हैं जल्दी से। बॉल सेट, ये बॉल हमारे इसके अंदर आ गई और देखते हैं इस वाली का भी, देखते हैं आओ। सो गाइस, ये देखते हैं इसके वाली का ये हाल ना हो, क्योंकि यार ये तो कुछ सस्ती थी, ये वाली महंगी है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं गाइस, जल्दी चला भाई, चला जल्दी। तो गाइस अब हवा भरते हैं और देखते हैं, मुझे दूर रहना पड़ेगा थोड़ा सा, देखते हैं क्या पता यार मुंह ही फटता। वाओ गाइस, देखो कैसे कैसे कट कट बोल रहा है, वाओ, अरे वाओ, ओ भाई मैं दूर जा रहा यार, ओ भाई क्या 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 है, भर भर।
डिब्बे की एस्टेसी होने वाली यार, मुझे तो लग रहा। रोक दे एक मिनट, रोक रोक रोक। सो गाइस देखो एक बार, ओ गाइस कितना सख्त हो रहा है बिल्कुल ही। अरे वाओ, और गरम हो रहा, मुझे तो डर लग रहा है। अभी इसके एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाएगा। ओह देखो गाइस, गाइस बिल्कुल पत्थर हो गया इसका तो। ओ तेरी, बिल्कुल प्लास्टिक जाएगी हार्ड बिल्कुल। देखो इसमें भाई, इसमें ईंट सी मार मार के दिखाएंगे थोड़ी। ये ईंट लेकर आई, देखो गाइस, मतलब कि प्लास्टिक की आवाज आनी चाहिए लेकिन प्लास्टिक की नहीं आ रही, क्योंकि इसमें बिल्कुल ठोस है। तो अब इसमें एक्सट्रीम लेवल तक हवा भरते हैं, जब तक ये गएगा तो ये फटेगी या फिर ये फटेगा, मतलब कि देखते हैं कौन सी चीज मतलब कि ज्यादा पावरफुल है, इसके ये टेस्ट हो जाएगा। और पता नहीं गाइस, इसके लिए लाइक जरूर कर दो एक हमारी फुटबॉल के लिए, और जल्दी देखते हैं जल्दी से इसके परिणाम बजाते हैं। भर भाई, बॉल फटेगी, बॉल फटेगी, बॉल फटेगी, बॉल का लग लिया मुझे डर का। ये क्या हुआ यार, देखो डिब्बे में क्या हाल करी। और मैं सही में हकीकत में यही जो मैंने सोचा था गाइस वही हुआ बिल्कुल ही, वही बिल्कुल बता रहा था मैं, बहुत ज्यादा पावर होती है इसमें। और जैसे कि हमारी छोटे वाली तो फटगी, लेकिन ये वाली नहीं फटी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और देखो कैसे, मतलब क्या हालत कर दी इसकी, मतलब कि कहाँ से इसे पटने पे मजबूर कर दिया, मतलब कि इतनी ज्यादा हैवी तो होगी थी, हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था और गर्म भी पूरी होगी थी। तो गाइस वीडियो में काफी मजा आया, काफी गजब लगी यार। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी, एक्सपेरिमेंट हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो साइड में यूजर नेम है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ भी फॉलो कर लो। और चैनल पर ज्यादा से ज्यादा प्यार सपोर्ट दिखाओ अपना, एक्सपेरिमेंट चैनल नया चैनल है। तो मिलते हैं गाइस किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। Physical, all these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we some warriors, they ain't called runners. Bloods on my hands.